नागपुर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आपसी रंजिश के चलते दो आरोपियों ने मिलकर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। यह वाकया शहर के गोलीबार चौक पर होने की जानकारी भी सामने आई है। नागपुर में मंगलवार रात गोलीबार चौक पर दो युवकों पर कातिलाना हमला किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी चेतन बोरकर और अनिल बोरकर इन्होंने घायल संदीप पोल और संदीप रियाल पर कातिलाना हमला कर फरार हो गए। पुलिस को शक है कि पूरी वारदात यह आपसी रंजिश के चलते की गई है। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। सर, तहसील पुलिस स्टेशन पे गोलीबार चौक के पास गाजी मंडी में कल रात को कुछ लोगों ने हल्ला किया है, चौक से बाहर किया है, क्या माइकी है, कौन के लोग गोलीबार चौक में? हमारे इधर के रहने वाले संदीप पटेल और संदीप रियाल ये रहते हैं वहाँ पे। कल गोलीबार चौक में खड़े थे रात में अपने दोस्तों के साथ, इतने में उनके पहचान वाले केतन बोरकर और अनिल केतन और अनिल बोरकर यह आए। उनका उनके पार्टी के कुछ विषय के बारे में वाद विवाद हुआ, उसमें कहा सुनी हो गई, फिर आतापाई हो गई। उसमें उनको चेहरे पे और गले पे थोड़ा मार लगा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कलम 226 दाखिल किया है और आगे की तरफ जाए। नागपुर के अंबाजरी पुलिस थाना अंतर्गत एक दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है तो गाड़ी पर सवार दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार ने फिर एक युवक की जान ली है तो वहीं गाड़ी पर सवार दूसरे युवक की हालात नाजुक बनी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अनिकेत हिरनवार और उसका मित्र कार्तिक रनवाड़े अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी अंबाजरी के पशु चिकित्सालय के सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। वहां उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक यह बाइक बहुत ही तेज रफ्तार से चला रहे थे और अचानक सामने आए ट्रक की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने बताया कि उन्होंने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है और ट्रक की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 5/10/16 रोजी सकाळी 7 वाजल्याच्या दरम्यान अनिकेत हिरणवार आणि कार्तिक रणावरे हे त्यांच्या KTM मोटरसायकलवरनं जात असताना हे पशुविद्यालय हे जे आहे युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ फुटाळा तलावाजवळ या ठिकाणी ते जात असताना एका अज्ञात ट्रकला ते धडक झाली त्यांची आणि त्यामध्ये अनिकेत हिरणवार हा युवक जागीच मरण पावला आणि त्याचा दुसरा मित्र कार्तिक हा जखमी झालेला आहे। याबद्दल असं काही सांगता येणार नाही, परंतु हा रॅश ड्रायव्हिंगचा प्रकार असावा, रॅश ड्रायव्हिंगमुळे हा अपघात झाला असावा अशी शक्यता आहे। या प्रकरणाचा जो ट्रक आरोपी किंवा ज्या कारणीभूत आहे नाही, अद्यापपर्यंत ट्रकचं काही माहिती मिळालेली नाही आहे। CCTV फुटेज किंवा इतर साक्षीदार गोळा करून त्याच्याबद्दल माहिती काढत आहोत, लवकरात लवकर ती माहिती मिळताच मग त्याला ताब्यात घेऊन पुढची कारवाई केली जाईल। काही CCTV तिथे उपलब्ध असल्याचं याबाबतीत तपास चालू आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिति दीक्षाभूमि की ओर से इस वर्ष 60वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का उत्सव हीरक महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से की जाएगी। ऐसी जानकारी एक पत्र परिषद के दौरान दीक्षाभूमि समिति के सचिव सदानंद फुलझले ने दी।
दीक्षाभूमि स्मारक समिति के सचिव सदानंद फुलजले ने बताया कि 60वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन यह हीरक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई की अध्यक्षता में होने जा रहा है। इस महोत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु व विचारक भी उपस्थित रहेंगे। आणि 8 तारखेला महिला परिषद हे तिन्ही कार्यक्रम नवीन तयार झालेल्या ऑडिटोरियममध्ये होते। त्याचप्रमाणे 9-10-11 धम्मदीक्षा कार्यक्रम मंत्रीजी नागार्जुन सुरेई ससाई यांच्या नेतृत्वात 10 तारखेला सायंकाळी आंतरदेशीय बौद्ध संमेलन त्याकरता थायलंड, म्यानमार, श्रीलंका आणि जपान येथील बौद्ध विचारवंत आणि भिक्षु या कार्यक्रमाला उपस्थित। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर 11 अक्टूबर से शिवराय कन्हान इस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी जानकारी एक पत्र परिषद के दौरान नितिन गजबीय ने दी। इन्होंने आगे बताया कि चाइना के जनरल झेन झियांग समेत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, नामदार राजकुमार बड़ोले प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। धम्म दीक्षा सोहळ्याच्या निमित्ताने दिनांक 11 ऑक्टोबर 2016 रोजी शिवरा कनान या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटरचं भूमिपूजन समारोह आयोजित करण्यात आलेला आहे। या समारोहामध्ये भूमिपूजन समारोह या समारोहामध्ये चायनाचे जनरल ऑफ कौन्सिल झेंग झियांग व त्यांच्या पत्नी ली फिंगई, तसेच मान्य नामदार रामदास आठवले साहेब, केंद्रीय राज्यमंत्री सामाजिक न्याय विभाग यांच्या हस्ते होणार असून या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय नामदार राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्र राज्य हे असतील। या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, सामाजिक न्यायमंत्री माजी मंत्री आहेत ते सुलेखाताई कुंभारे, सदानंद महास्थवीर संघानुशासक, तसेच अनेक देशातून या ठिकाणी नॅशनल इंटरनॅशनल डेलिगेट्स या कार्यक्रमाला येणार आहेत। या तसेच श्री सिद्धार्थ गौतम या चित्रपटाच्या सिनी अभिनेत्री आंचल सिंग आणि आंशु मलिकसुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। सर्व जनतेला लॉर्ड बुद्ध टी व्हीच्या माध्यमातून विनंती करण्यात येत आहे की आपण जास्तीत जास्त संख्येने या भूमिपूजन सोहळ्यात उपस्थित राहून आम्हाला सहकार्य करावे। धन्यवाद। जय हिंद। मंगलवार को शिक्षक वर्ग के लिए काला दिन अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। औरंगाबाद में अनुदान की मांग कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसका असर नागपुर में भी देखने को मिला, जहां शिक्षक समिति की ओर से धरना प्रदर्शन कर इस घटना का विरोध किया गया।
मराठवाड़ा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाल रहे शिक्षकों पर पुलिस ने जिस तरह से अमानवीय लाठीचार्ज किया उसके विरोध में नागपुर में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस घटना को शिक्षक पेशे के लिए काला दिन माना है। विधायक नागो गानर ने कहा कि शिक्षक यह औरंगाबाद में अपने अनुदान के लिए मोर्चा निकाल रहे थे और यह शांति से मोर्चा शुरू था तो क्या वजह थी कि पुलिस ने अमानवीय तरीके से शिक्षकों पर लाठियां उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस घटना की जाहिर माफी नहीं मांगेंगे वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने राजीनामा दिला पाहिजे, मुख्यमंत्री ने माफी मागितली पाहिजे। कल औरंगाबाद में शिक्षकों के मोर्चा पर लाठी चार्ज हुआ, उसका धिक्कार निषेध करने के लिए हम सभी लोग कृति समिति के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शिक्षक जो अनुदान की मांग कर रहा है 2000-2001 से बिना वेतन का काम कर रहा है, लोगों का भावी जीवन बनाता है लेकिन खुद भूखा रहता है, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, उसके लिए 145 आंदोलन हमने किया आज तक। 145 आंदोलन का परिणाम सरकार ने अनुदान देने का घोषित किया लेकिन अनुदान देने के लिए जो 19 सितंबर को आदेश निकाला उसमें ऐसी शर्तें लिखी कि जिसके कारण एक भी स्कूल को अनुदान मिल नहीं सकता। इसलिए इस सरकार की नीयत अनुदान देने की नहीं है और हमने जो 145 आंदोलन किया आज तक उसका बदला लेने के लिए, हमको अद्दल घड़ाने के लिए सरकार ने कल का लाठीचार्ज किया। कल जो मोर्चा हुआ औरंगाबाद में वहाँ पर 26,000 टीचर लोग थे, वहाँ पे वो मोर्चे में 1500 करीब लेडीज टीचर थी। जब हम यानी साइलेंटली जो मोर्चा चालू था तो शिक्षण मंत्री ने वहाँ आने के लिए इन्हें नकार दिया, वो नहीं आए। लेकिन जब हमने नारेबाजी की तो उसने वो एसपी को भेजा और एसपी ने बोला तुम 5 लोग मंत्री को मिलने के लिए चलो। हमारे 5 लोग जब अंदर गए तो 2 घंटे उसको बिठा के रखे और जब 2 घंटे वहाँ पे वो हमारा जो मंडल था वो बैठा था लेकिन वो निवेदन लेने के तैयार नहीं था, शिक्षण मंत्री भी नहीं और मुख्यमंत्री भी नहीं था। इधर ESP और उसकी जो टीम है सैनिक हैं इन्होंने डंडे मारना चालू कर दिया। हम पूरे लोग थे, ये लेडीज़ भी हमारे साथ में थी, ये सर हैं, डंडे मारना चालू कर दिया तो फिर पूरे जो टीचर लोग हैं इधर उधर भागने लगे और इतना लाठीचार्ज किया। उसमें जो 25 के ऊपर लेडीज़ घायल हुई, 200 के ऊपर टीचर लोग घायल हुए, उसमें 2 टीचर प्रेग्नेंट थी लेडीज, उसके ऊपर भी इन्हें जोरदार लाठीचार्ज किया, हवा में गोलीबार भी किए और बाद में पूरे औरंगाबाद में कर्फ्यू लगा गया। हमारी मांग कोई ज़्यादा नहीं थी, इन्हें पहले से सरकार ने जो इन्हें टुकड़ियाँ या टीचर लोगों को इन्हें संस्थाएँ पात्र की वो पात्र लोगों को ही अनुदान देना चाहिए और उन्होंने पात्र किया था, हमारी दूसरी कोई मांग ही नहीं है। कल हमारा बिना अनुदानित कृति समिति का मोर्चा निकला था औरंगाबाद से क्रांति चौक से और करीबन 20,000-23,000 शिक्षक शिक्षिकाएं वहाँ उपस्थित थी और मोर्चा बहुत ही शांति से आगे बढ़ रहा था और आगे चौक में जाकर हम सब लोग शांति से बैठ गए, नारेबाजी करना छोड़ दिए और 2 घंटे राह देखते रहे कि हमारे शिक्षण मंत्री तावड़े साहब आएंगे और हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि पुलिस की गाड़ियां ऐसे पीछे पीछे आने लगी, सब पुलिस ऐसे घेराव करने लगे और उन्होंने अचानक ही हमारे पे लाठी हल्ला करना शुरू कर दिया और उसमें हमारी बहनें भी इधर उधर दौड़ने लगी। मेरे पास में ही खड़ी 2 प्रेग्नेंट महिलाएं थी और उनको भी बहुत पुलिसों ने मारा। आदिवासी विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों की वजह से जिले के कई आदिवासी छात्र या छात्रावास में प्रवेश पाने से वंचित होने की जानकारी सामने आई है। आधा साल बीतने के बावजूद भी इन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिल पाई है जिस वजह से कई छात्र मीलो दूर से हर दिन आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं मगर इन छात्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं। चंद्रपुर जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। पहले यह लोग शिक्षण को उतना महत्व नहीं देते थे मगर जैसे जैसे यह लोग जागरूक हुए तब से इन्होंने भी शिक्षा का महत्व जाना और समझा और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर चंद्रपुर भेजने लगे। इन आदिवासी लोगों का मन तो परिवर्तित हो गया है मगर हमारी सरकार का मन कब बदलेगा यही नहीं पता। इस क्षेत्र में दूर दराज से आए आदिवासी छात्रों को
खासकर लड़कियों के लिए छात्रावास की कमी खल रही है। कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि आधा साल बीतने के बाद भी छात्रावास में जगह मिलने के लिए लोग अपनी चप्पल घिस रहे हैं, मगर उनकी सूद लेने वाला यहाँ कोई नहीं। आम्ही खूप लांबवरून येणाऱ्या मुली आहोत। कम से कम 83 किलोमीटर पर्यंत आमचा गावचा प्रवास आहे आणि तिथून येताना आम्हाला त्या 83 किलोमीटर मधून येताना आम्हाला 5 किलोमीटर असं पायदळही काढावं लागतो। आणि खास करून म्हणजे जेव्हा आपला हॉस्टेलला नंबर नाही लागला त्यावेळेस मग ते कॉलेजला आपलं ऍडमिशन होऊन असेल तर मग आम्हाला दुसऱ्या कॉलेज दुसरीकडे शिक्षण घेण्याची काही संधी प्राप्त होत नाही आणि आम्ही खूप हलवून गेलेलो आहोत या बाबींमुळे। मला रोज अपडाऊन करावं लागत आहे। काही दिवस अपडाऊन केली पण ते पण नाही जमलं कारण की परिस्थिती गंभीर आहे घरची। घरचे नाही म्हणाले, घरचे मग त्रासून या रिझल्टवर आले की TC कार्ड बा कारण की आम्ही नाही करू शकत। हे सर्व होत आहे आदिवासी हॉस्टेलमुळे क्रमांक 2। तो पण मी जेव्हा ऍडमिशन केली तेव्हा ऑनलाईन फॉर्म जेव्हा सबमिट केला तेव्हा मॅडमनी फॉर्म चेक केला पण मॅडमनी हे नाही सांगितलं की BPL जरुरी आहे बा। त्यांनी सर्व डॉक्युमेंट्स चेक केले पण मला हे नाही सांगितलं की BPL जरुरी आहे, त्याच्याशिवाय नंबर नाही लागत। तर त्या फक्त BPL नाही दिल्यामुळे माझा नंबर नाही लागला। माझे वडील दुसऱ्यांचे शेती करून आम्हाला जगवतात, यासाठी आम्हाला पैसेसुद्धा नसल्यामुळे तरीसुद्धा परिस्थिती डाऊन असल्यामुळे माझे घरचे मला पैसे देऊन इतक्या दूर पाठवत आहे। 2-5 महिने झाले। मॅडमला जाऊन विचारले तर मॅडम म्हणते BPL-मध्ये नंबर BPL दाखला नाही तर नंबर नाही लागत। अगोदर मॅडम म्हणली की BPL-नुसार घेतो, आता BPL-नंतर झाल्यानंतर पर्सेंटनुसार घेतली आहे मॅडम की पर्सेंट कमी असल्यामुळे तुला घेण्यात नाही आहेत। प्रकल्प अधिकारी इकडे किती वेळा येऊन गेले तरीसुद्धा कोणीच काही म्हटलं नाही। घरी परिस्थिती डाऊन असल्यामुळे आता वडीलसुद्धा म्हणत आहे की शाळा सोडून दे, खर्च झपत नाही तर आता काय करावं, पेपर जवळ येत आहे, फर्स्ट सेम चालू झाले आहे, आता कॉलेज सोडू की काय करू, 5 महिन्यात इतके सारे पैसे खर्च झाले तरीसुद्धा आता समोर पैसे देण्याची परिस्थिती नाही आहे माझ्या घरची, म्हणून घरचे म्हणत आहे की आता कॉलेज सोडून दे। इन छात्राओं ने बताया कि चंद्रपुर में लड़कों की 2 और लड़कियों की 2 छात्रावास है और पहले छात्रावास में 125 छात्राएं रहती है, साथ ही 30 छात्राओं के पीछे एक प्रसाधन गृह होने की वजह से उन्हें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह तो आप खुद ही सोच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन छात्रों को छात्रावास में जगह नहीं मिली वह हर रोज बस या ट्रेन से आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इन छात्राओं का कहना है कि उनका परिवार जब तक उन्हें पैसे देगा तब तक वह आएंगे, जब उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो उन्हें मजबूरन अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़नी पड़ेगी। एक और राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान का बखान करते थक नहीं रही। वहीं दूसरी ओर गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा अंतर्गत आने वाले डिज्नीलैंड स्कूल के छात्रावास में कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसी छात्रावास में रहने वाले छात्र पानी लाने के लिए प्राणहिता नदी में जा रहे हैं और यह ऐसे समय हो रहा है जब नदी उफान पर है। देश में सर्व शिक्षा अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, मगर क्या जमीनी स्तर पर यह योजना पूर्ण रूप से कार्यरत है? इसका ताजा उदाहरण हमें गढ़चिरौली जिले के अंतर्गत आने वाले सिरोंचा तहसील के डिज्नीलैंड स्कूल में देखने को मिल रहा है। इस स्कूल का एक छात्रावास भी है जो कि बिना अनुमति से चलाया जा रहा है और कई वर्षों से चलाया जा रहा है और हद तो तब हो गई जब यहां रहने वाले छात्रों को पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अपनी जान धोखे में डालकर बाढ़ आई नदी में पानी भरने जाना पड़ता है। इन छात्रों की सूरत से ही इनका दर्द और इनकी मजबूरी बयां होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं स्कूल के प्रशासन और सरकार से इस विषय में हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। वसंत जी, ये बताइए कि सिरोंचा के जो डिज्नीलैंड स्कूल है वहाँ पे जो छात्रावास है, हॉस्टल है, वहाँ के जो छात्र है वो पानी को लेकर एक बाढ़ आई नदी में पानी भरने जा रहे, क्या पूरा माजरा है, कितना गंभीर मामला है यह? सबने देखिए, गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा तहसील में जो डिज्नीलैंड स्कूल को बिना शासन परवानगी का 180 बच्चे से हॉस्टल चलाया जा रहा है जी। हाँ, तो
हॉस्टल हॉस्टल में पानी ना रहने की वजह से वो नदी के पानी से हॉस्टल के बच्चों को नहाने का और हॉस्टल में यूज करने के लिए पानी उपयोग में लाने के लिए जी बरी नदी में से पानी लेके जा रहे हैं जी। मगर ये कितना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहाँ पर अगर इस तरीके की अगर हॉस्टल चलाया जा रहा है और अगर वहाँ पे पानी ही नहीं है तो इतने सालों से ये हॉस्टल चलाया जा रहा है, कितना गंभीर मामला है। और आपने ये बात जो है स्कूल के जो हॉस्टल प्रशासन है उनके सामने रखी थी और उनका क्या जवाब था? ये मामला हॉस्टल के प्रशासन सामने लगा रही थी और रंचा के पंचायत समिति और जल शिक्षण अधिकारी से भी बात किया था, लेकिन जल शिक्षण अधिकारी ने इस मामले को सामने लाने में इनकार किया था उसने जी। मगर क्या वजह है कि इस तरीके का एक हॉस्टल चलता है, बच्चे लोग जाते हैं एक बाढ़ाई नदी से पानी भर के लाते हैं और कितना मजबूरी में जीते होंगे ये छात्र लोग, क्या कहना चाहेंगे? तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वप्निल, तो यानी पूरे शहर का यानी यहाँ की शासन पूरे मिली भगत से ही ये हॉस्टल चलाया जा रही है जी। और ये तो बहुत गंभीर की मामला है कि सुरंचा तहसील में ऐसे तहसील जैसे और इसमें और मैंने ज्यादा पैसा लेकर हॉस्टल चलाया जा रहा है जी। इसे कोई शासन का परवानगी भी नहीं है जी। तो इसे जिले से लेकर और या तहसील से लेकर जिले तक लेकर इनसे मिली भगत से ये हॉस्टल चलाया जा रही है जी। जी धन्यवाद।